टू हंगरी फॉर हल्दीराम्स और आज मेरी इस किचन के अंदर मैं सर्व करूंगा एक प्याली कड़क चाय और उस कड़क चाय के साथ मैं सर्व करूंगा एक टी केक. नाउ मच लाइक कपकेक्स, टी केक्स बहुत ही ज्यादा क्यूट, बहुत ही छोटे और फ्लेवर से भरपूर होते हैं और आज का टी केक मैं बनाऊंगा हल्दीराम्स के केसर अंगूरी के साथ. जो पेठा होता है मीठे होने के साथ साथ उसके अंदर एक अच्छा क्रंच और टेक्सचर होता है और वो सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है अगर आप कोई फ्रूट केक, टी केक या कप केक बनाते हैं. और ये जो हल्दीराम्स का केसर अंगूरी है इसके अंदर जो केसर फ्लेवर है आई थिंक वो इंडियन स्टाइल मसाला चाय के साथ बिल्कुल परफेक्टली ब्लेंड करेगा. नाउ आई हैव दिस, इसमें से जो पेठा है उसे मैं निकाल लूंगा विदाउट द सिरप, माइनस द सिरप बिकॉज आई डोंट नीड द सिरप. आई लाइक द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट एवरी पीस ऑफ पेठा इज इवन साइज और छोटी बाइट वाला है, लाइक इट्स अ टू बाइट मिठाई दैट यू कैन ईजिली फिनिश ऑफ. सबसे पहले इस पेठे को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे. यू कैन कीप इट एज मोटे चंक्स और यू कैन फाइन चॉप इट. इसे फिलहाल हम एक तरफ रख देंगे. अब हम बनाएंगे हमारे टी केक का बैटर. ये टी केक एक एगलेस टी केक है इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे शुगर और कंडेंस मिल्क का. सो सबसे पहले हम डालेंगे सॉफ्ट बटर एक बोल के अंदर और उसे क्रीम करेंगे कंडेंस मिल्क के साथ. इसे अच्छे से मिला लेंगे. देयर, नाइस. नाउ इसमें हम फोल्ड करेंगे फ्लावर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर में जाएगा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा वेनिला एसेंस, चॉप्ड नट्स और इसमें जाएगा केसर अंगूरी पेठा. इसे हम जेंटली फोल्ड करेंगे. बैटर को थोड़ा लाइट करने के लिए अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क, दैट्स इट. ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे. हमारे पास ये एक मोल्ड है और इसके अंदर हम हमारा ये केक बैटर डालेंगे. ऑल ऑफ इट, जस्ट लिफ्ट एंड ड्रॉप इट सो दैट जो केक बैटर है वो इवनली फैल जाए. नाउ इसे हम डालेंगे बेकिंग ट्रे पे और ये जाएगा अब अवन में सीधा 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 40 टू 45 मिनट्स. और ये गया अवन में. नाउ उस टी केक को बनने में समय लगेगा. मेरे पास ऑलरेडी एक तैयार है और एक अच्छे केक की निशानी है कि जब वो ऊपर से या साइड से उभरने के बाद वो थोड़ा सा क्रैक होता है लाइक दिस, सो इट्स अ गुड साइन. Now, all I'm doing is tearing off the sides. आप चाहें तो इसके स्लाइसेस काट कर सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे राउंड शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्क्वेयर शेप दे सकते हैं. How it looks. What I'm enjoying about this cake the most is कि इसके अंदर अभी भी जो पेठे का क्रंच है अलग अलग तरीके हैं
Whichever way you want to cut it, you can cut it. Just place these slices right here. Along with the kadak chai, whenever you make it, make sure you share it with a friend. Tea cake, share karne se pyar badhta hai. Personal experience. Ye jo tea cake hai, isko aap dust kar sakte hain thoda icing sugar ke saath. That's it. हमारी जो ये कड़क मसाला चाय है ये तैयार है, साथ ही तैयार है हमारा पेठा टी केक और ये आप ट्राई कर सकते हैं आज ही. एंड डेफिनेटली राइट टू अस कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. जस्ट कीप वॉचिंग हंग्री फॉर हल्दीराम. यू कैन लॉग ऑन टू haldirams.com एंड ऑर्डर इट ऑनलाइन.